भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से धूल चटाते हुए टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है। ब्रिस्बेन में 32 साल से ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा था, लेकिन टीम इंडिया ने इसको भी मुमकिन कर दिखाया। लेकिन इस सीरीज में जिसने सबसे ज्यादा शिद्दत दिखाई वो है मोहम्मद सिराज। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरा किसी सपने से कम नहीं रहा। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पिता को खोने वाले सिराज ने टेस्ट सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन से उनके सपने को सच कर दिखाया। सिडनी और ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की नस्लीय टिप्पणियां सहने के बाद भी सिराज ने हार नहीं मानी। सिराज सीरीज के 3 टेस्ट में 13 विकेट लेकर भारत के सबसे सफल बॉलर बने। साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। सिराज ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कर टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। टीम इंडिया के इस तेज गेंदबाज की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी आईपीएल के बाद शुरू हुई। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किए गए। टीम पिछले साल 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुई। 20 नवंबर को सिराज के पिता का निधन हो गया। बीसीसीआई ने सिराज को घर लौटने की छूट दी, लेकिन वो अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए वापस नहीं लौटे। सिराज अपने पिता की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। पिता को खोने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से उन्होंने डेब्यू किया। इस मेलबर्न टेस्ट में ही उन्होंने 5 विकेट लिए। इसके बाद तीसरे टेस्ट में उन्हें 2 विकेट मिले। मैच के तीसरे और चौथे दिन सिराज को ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के अभद्र व्यवहार और नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने उनके खिलाफ मंकी, डॉग और ग्रब जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन सिराज टूटे नहीं और मजबूती से सामना किया। इस बदतमीजी का जवाब उन्होंने ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में 1 और दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर दिया। चोटिल मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में 2 टेस्ट में 7 विकेट ले चुके सिराज को बड़ी जिम्मेदारी मिली। देखने वाली बात यह भी थी कि चौथे टेस्ट में उतरी टीम इंडिया का कुल बॉलिंग एक्सपीरियंस 13 विकेट का था। यानी मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर 13 विकेट झटके थे। सिराज ने भारत के पूर्व दिग्गज बॉलर श्रीनाथ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। श्रीनाथ ने 1991-92 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। इस सीरीज में उन्होंने 10 विकेट चटकाए थे, जबकि सिराज ने 13 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में डेब्यू कर ओवरऑल सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वे तीसरे नंबर पर हैं। इस मामले में साउथ अफ्रीका के जो पार्ट्रीज 5 मैचों में 25 विकेट के साथ टॉप पर हैं। इसके साथ ही ब्रिस्बेन में एक पारी में सबसे बढ़िया गेंदबाजी करने वाले भारतीय बॉलर्स की लिस्ट में सिराज चौथे स्थान पर पहुंच गए। सिराज ने जहीर खान को पीछे छोड़ दिया। सिराज ने कहा कि पिता के निधन के बाद वो बेहद निराश थे, लेकिन मां ने उन्हें प्रेरित किया। सिराज ने कहा, मेरे पिता चाहते थे कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलूं। वो चाहते थे कि दुनिया उनके बेटे को खेलता हुआ देखे। काश वो यहां होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। उनके आशीर्वाद ने मुझे हिम्मत दी और मैं 5 विकेट ले सका। मेरे पास इस खुशी को बयान करने के लिए शब्द नहीं है। सिराज तीसरे टेस्ट में राष्ट्रगान के बाद इमोशनल हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर, जी हिंदुस्तान। डाउनलोड करें और बाखबर रहें।